कोबरा पोस्ट की खास प्रस्तुति ऑपरेशन शुद्धिकरण। लीजिए कहानी गरीब और मासूम लड़कियों की तस्करी की, धर्म परिवर्तन के नाम पर उन्हें कट्टर हिंदू बनाने की। ऑपरेशन शुद्धिकरण की जांच पड़ताल में सीधे आरएसएस के हिंदुत्व के खौफनाक एजेंडे का खुलासा होता है। एजेंडा गरीब दलित मुस्लिम ईसाई और आदिवासी बच्चियों को शिक्षा के नाम पर अपने आरएसएस के स्कूलों और छात्रावासों में पहुंचाना। तारीख 11 जून 2015। समय शाम के 7:40। जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। गाड़ी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इस एजेंडे के तहत असम के चिरांग, कोकराझार, बोनाईगांव और गोपालपाड़ा जिलों से 31 आदिवासी बच्चियों को आरएसएस प्रचारिका कोरबी और संध्या असम से गुजरात और पंजाब पहुंचाने का जिम्मा लेती हैं। इत्तेफाक से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इसकी सूचना मिल जाती है और पुलिस अधिकारी इन बच्चियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तभी आरएसएस के रमणीक भाई कुछ फोन घुमाते हैं और करीब 200 लोगों का हुजूम स्टेशन पर पहुंच जाता है। फिर देखते ही देखते लड़कियां छुड़ा ली जाती हैं। इसके बाद लड़कियों को गुजरात के हलवद और पंजाब के पटियाला पहुंचा दिया जाता है। इनसे मिलिए, ये हैं गुजरात के रमणीक भाई। ये हलवद में आरएसएस स्कूल और आश्रम चलाते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं सुनिए इन्हीं की जुबानी। हमारी स्टार्ट हो जाएगा ना, हाँ। तो पूरा का पूरा ऐसा भड़तर हो जाएगा, हाँ। तो हिंदू हम, हाँ, ऐसा गर्व हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, गर्व से हो जाएगा कि हिंदू हैं हम। फिर हाँ, वही करना है, वही हम कर रहे हैं, वही करना है, रमणीक भाई वही काम कर रहे हैं, वही काम। एक बार इसको दिल से हो जाएगा, हम हिंदू हैं। तो अगर आप 25 साल में तो कम से कम 500,000 बच्चे तो मतलब आपके यहाँ से पढ़ चुके होंगे या आ चुके होंगे। बहुत यार, क्यों, लगभग 15-20 हजार। तो उसमें से और धर्मों के भी अपने धर्म में आ चुके हैं, काफी आ चुके हैं। अरे सर, आप तो बहुत बड़ा काम करने का कहा था। मुसलमान और क्रिश्चियन और जो कोई पहले हिंदू थे और बाद में धर्म परिवर्तन कर रहे, जो हम चल रहा है वही हिसाब से बहुत लड़कियां हमने वहां से उठा के लाई है और पटापटा के वो सक्षम कर दी। हम भी हिंदू है, वो समाज वो जाकर उसका जो मोहल्ला हो और उसका गांव हो तो वहां जाके वो 15-20 को और लेकर ये ऐसा करते हैं, हम भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, हमारे साथ चलो, फिर भी ऐसे ऐसे सक्षम बना दे। आरएसएस का एजेंडा कितना प्रभावशाली है ये पटियाला की आरएसएस प्रचारिका ज्योतिका के मुंह से सुन लीजिए। फल देने शुरू किए भी उसने नहीं, अभी वो देख रही है कि 150 ही फल आए खाली। पंजाब की, अच्छा जितना आपकी विजन में हुए खाली कन्वर्ट, उससे ज्यादा तो मतलब पूरे हैं। पंजाब में तो ज्यादा हो गया ना, वही तो मतलब आसाम में भी प्रचारिका है, वो इलाका ही नहीं है जहाँ प्रचारिका नहीं है। प्रचारिका अलग बात है, और प्रचारिका के जरिए कार्यकर्ता को एक बच्चा मिलता है, मतलब काम, अगर हमारे पास इतने बच्चे आए हैं तो कार्यकर्ता ही इनको देखभाल करवा रहे हैं, साथ में डोनेशन दे रहे हैं, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्या लेना है क्या देना है हर हिसाब से। इसी प्रकार हर क्षेत्र में एक छात्रावास खुला हुआ, छात्रावास भी ऐसे ही बच्चों का। मासूम बच्चियों की इस तस्करी पर दिल्ली के मयूर विहार की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्षा सुषमा विज क्या कहती हैं ये भी सुन लीजिए। दे आर कम्फर्टेबली स्टेइंग देयर, बट अवर ऑब्जेक्शन इज देयर, व्हाई फ्रॉम आसाम टू गुजरात पूरा कल्चर चेंज करने की क्या जरूरत। बच्चे अभी बोडा लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं जानते, उनको पूछो ना तुम्हारा नाम क्या है, वो नहीं बोल पा रहे,
तो मेरा ऑब्जेक्शन वहाँ ये था कि इतनी दूर ला के रखने की क्या ज़रूरत है, माँ बाप में से एक माँ बाप तो है ना, तो उनको आसाम में ही रखा जाना चाहिए। 20 बच्चों को तुम यहाँ से यहाँ ला के उनको गुजराती सिखा के पूरा कल्चर उनका चेंज कर दोगे एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग बैक टू आसाम ओनली। और जब वो वापस आएंगी तो क्या करेंगी, या तो इधर ही सेटल करो, यहीं शादी करो और यहीं तुम जवाबदारी लिख दो, लिख के बताओ मेरे को। बोलते नहीं 18 के बाद तो हम दे देंगे। बोला फिर मतलब क्या है उनको गुजराती से, वो पटियाले वाले पंजाबी सिखाने बैठ जाए। तो बच्चियों की तो जिंदगी से खेलते हो ना, तो आसाम में रह के उनका अच्छे से करा जाए। तो उनको मैंने बोला है कि आप पहले CCW से आसाम से बात करो कि उनका क्या विचार, अगर दे आर रेडी टू टेक द चिल्ड्रन इमीजिएटली सेंड देम बैक एंड लेट देम अरेंज, या तो रिस्टोर करेंगे या तो जो भी करेंगे। इन बच्चियों के गरीब और मजबूर माँ बाप इस बारे में क्या कहते हैं, सुनिए एक बच्ची मोतिका किसको के पिता की जुबानी। कुछ नहीं बोला, खाली बोला तो गुजरात में विश्व हिंदू परिषद का पढ़ने के लिए ले जाता है हम बहुत, वो आगे में भी लेके गया था, फिर आकर के वो हमारा का कोई गवर्नमेंट तो उपाय नहीं है, जो बड़ों का गंडोगोल से हम लोग बोर्डो के गुंडे आते हैं सब वो धमकाते हुए खाना पीना थोड़ा कमजोरी टका पैसा का इनकम नहीं। समाज सेवा और देश सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन की इस पूरी कड़वी हकीकत को जानने के लिए देखिए ऑपरेशन शुद्धिकरण सिर्फ कोबरा पोस्ट पर।